हेलो बच्चों, एक पहिया तुम बन जाओ और एक पहिया मैं बन जाता हूं और फिर हम इस मैथ्स की साइकिल को खूब दौड़ाएंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा ही शानदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सर्कल्स। बिल्कुल, पहिया होता है सर्कल और जिंदगी का पहिया गोल है दोस्तों। कहीं से भी आरंभ हो सकता है, जहां से तुम चाहो जिंदगी बदल सकते हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, है ना। अगर तुमने पढ़ना चालू नहीं किया है तो अभी भी आरंभ कर सकते हो। ये पढ़ाई का पहिया भी गोल है दोस्तों, जब तुम्हारा दिल करे चालू हो जाओ, वही एक नया सवेरा है। तो नया चैप्टर है सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स के इस सेशन में मैं आपको सर्कल्स का सारा बेसिक पार्ट बता दूंगा, ठीक है ना। जो स्कूल लेवल का है वो सारा कवर हो जाएगा, है ना। सर्कल्स का सारा बेसिक पार्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, बेसिक्स सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। सर्कल और लाइन को जब मिलाते हैं तो नई थ्योरी बनती है, दो सर्कल्स को मिलाते हैं नई थ्योरी बनती है। वो यार अपन एक बार बेसिक्स कवर कर लें सर्कल्स के, पैराबोला के, एलिप्स के, हाइपरबोला के, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो सर्कल्स के बेसिक्स देखते हैं यार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको लोकस सिखाया था, लोकस क्या होता है। सर्कल को लोकस का इस्तेमाल करके आइए डिफाइन करते हैं। सर्कल को डिफाइन करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट का होना जरूरी है जिसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है, और एक फिक्स डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस का होना जरूरी है जिसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए ए कोमा बी, ठीक है, और पी एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स कोमा वाई, पी एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स कोमा वाई। ध्यान से सुनना, जो ए है मेरा वो फिक्स पॉइंट है, जो ए कोमा बी पॉइंट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और जो पॉइंट पी है, पी एक्स कोमा वाई, ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ये हमारा एक वेरिएबल पॉइंट है, क्लियर है। और जो ये वेरिएबल पॉइंट है ये फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, है ना। मान लेते हैं ये कांस्टेंट डिस्टेंस आर के ऊपर है, बात समझ में आ रही आपको। जो पी ए डिस्टेंस है, पी ए डिस्टेंस है, दिस इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, आर के इक्वल है। ध्यान से सुनना, एक फिक्स पॉइंट है ए और एक फिक्स डिस्टेंस है आर, पी एक वेरिएबल पॉइंट है, तो आर को फिक्स रखते हुए पी इस प्रकार से मूव कर सकता है, P कुछ यूं मूव कर सकता है। कहने का मतलब P यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, P की A से डिस्टेंस हमेशा ही R रहेगी, तो P का जो लोकस है वो एक सर्कल होगा। अगर कोई हमसे पूछता है सर्कल क्या है तो हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर कोई हमसे पूछता है कि सर्कल क्या है, अगर कोई हमसे पूछता है कि सर्कल क्या है, तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी। ये एक ऐसे पॉइंट पी का लोकस है जो कुछ यूं मूव करता है कि इस पी का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। इट इज A locus of a point P which moves such that
इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको अपन सेंटर बोलते हैं। ये क्या है? ये सेंटर है, ठीक है ना। ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को तो बोला जाता है सेंटर, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट ए को बोलते हैं सेंटर। क्लियर है जी, एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है ना। बातें एकदम बेसिक से बताऊंगा, समझ में आ जाएंगी, सुनना है बस तुमको, है ना। ये कॉन्स्टेंट है हमेशा, ये कॉन्स्टेंट क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। क्लियर एकदम। तो आई होप आपको सर्कल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी यार। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कुछ यूं मूव करता है दोस्तों, कि इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। तो सर्कल की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब सर्कल की फंडामेंटल इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं। हम बात करते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की फंडामेंटल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक अंदाज से, है ना। तुम्हें क्या लगा था आज लेक्चर नहीं आएगा? पढ़ाई अपनी जगह और ये सॉन्ग्स अपनी जगह, ठीक है ना। मस्ती तो करनी है मगर पढ़ाई के साथ साथ, है ना। लेक्चर तो आएगा भाई, हर रोज आएगा, है ना भाई। मैथ पढ़ाएगा और मैथ का जादू है। सर चढ़ के बोलेगा, भाई का वादा है ये ना डोलेगा, मैथ पढ़ा के छोड़ेगा, ठीक है। बहुत ही शानदार। तो यार आज अपना एक छोटा सा गाना लॉन्च हो रहा है, तुमको मालूम ही है, ठीक है ना। तो प्यार देना अपना, है ना, और मचा देना एकदम, मतलब उसको इतनी जगह पहुंचा देना कि लोगों को ना मैथ से प्यार हो जाए यार। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैथ्स को मैं सिंपलीफाई कर दूं, है ना, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत मैथ्स। मैथ्स है ही सिंपली, है ही सिंपल सब्जेक्ट, है ना, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैथ को सिंपलीफाई कर दूं। मैं तो और भी सिंपलीफाई कर सकता हूं, मगर फिर मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। उनका भी मैं ध्यान रखता हूं, ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं होता, ठीक है ना। चलिए फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। फाइनली द वेट इज ओवर, इट्स कमिंग, यो। चलिए फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की फंडामेंटल इक्वेशन की बात करते हैं, है ना। मैं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, जिसका सेंटर ए कोमा बी पे हो, और जिसकी रेडियस जो है वो आर हो। जिसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो कितनी हो? आर। मैं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसका सेंटर ए कोमा बी पे हो और जिसकी रेडियस आर हो। क्या आपको नहीं लगता वो कुछ सर्कल ऐसा होगा? आप बोलेंगे जी जनाब बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यार अगर ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? इस सर्कल पे लाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट को एक्स कोमा वाई मान लेते हैं जी। इस सर्कल पे लाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट को एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स कोमा वाई इस पूरे सर्कल पे घूम रहा है और ये एक्स कोमा वाई कुछ इस अंदाज से घूम रहा है कि पी ए का जो डिस्टेंस है वो आर है। बताइए दोस्तों पी ए का डिस्टेंस कितना होता है? हाँ बोलिए 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 भाई, तुमसे बोल रहा हूं, बोलो बोलो बोलो, कितना है पी ए का डिस्टेंस? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। अब ये r के इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो देखिए क्या आ गया आपके पास, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ गया। क्या आ गया है? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारी है
इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ए कोमा बी पे हो और जिसकी रेडियस आर हो, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये कैसे सर्कल की इक्वेशन है हूज सेंटर इज ए कोमा बी, whose center is a comma b। देख लें, एक सर्कल जिसका सेंटर a comma b पे हो और रेडियस अगर r के इक्वल हो तो उस सर्कल की इक्वेशन यार ऐसे होती है, whose center is a comma b and radius equal to r, ठीक है ना। रेडियस किसके इक्वल हो, r के इक्वल, एकदम भन्नाट तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर a comma b हो और रेडियस r हो। गुनगुनाइए मेरे साथ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो a कोमा b हो और रेडियस मेरे दोस्तों r हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार मुझे एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज सेंटर इज एट माइनस वन कोमा टू, सेंटर तो माइनस वन कोमा टू पे हो एंड रेडियस इज थ्री यूनिट्स। मुझको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बता दीजिए भैया जिसका सेंटर माइनस वन कोमा टू पे हो और रेडियस थ्री यूनिट्स हो, ठीक है। अगर कोई यार हमसे ऐसे सर्कल की इक्वेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस वन है, बी की वैल्यू कितनी है थ्री है, आर की वैल्यू बी की वैल्यू टू है जी, बी की वैल्यू टू है जी, बी कितना है, बी हमारा टू है, आर की वैल्यू कितनी है थ्री है, ठीक है ना, ए माइनस वन है, बी टू है और आर थ्री है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस ए, है ना, वो हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। तो यार ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर माइनस वन कोमा टू पे हो और रेडियस कितनी हो, 3 यूनिट्स हो मेरे दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर, करेक्ट है जी, एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है। तो हमने देख ली फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लीजिए, एकदम बड़ी मस्त होती है यार, जैसे लगता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, बड़ी सिंपल सी है ना, पाइथागोरस थ्योरम जैसी फील नहीं दे रही x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और इस इक्वेशन को देख करके आप सेंटर इजिली बता सकते हैं और रेडियस सर्कल का इजिली बता सकते हैं, राइट। अब देखिए यार, अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की, ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्लियर हो गई। अब यार बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ध्यान से देखना जरा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की जनरल इक्वेशन, है ना, फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, देखिए फंडामेंटल इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यार देखिए, अभी फंडामेंटल इक्वेशन तो हमने लिख ही लिया, ठीक है, तो इसका सेंटर जो है ना वो तो क्लियर है ना, एकदम इसका जो सेंटर है वो अपने को एकदम क्लियर है, ए कोमा बी, और रेडियस कितनी है, रेडियस है यार इसकी आर, है ना, ये बात एकदम क्लियर है, सेंटर ए कोमा बी है और रेडियस कितनी है आर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो होल स्क्वायर्स है ना इनको ओपन कर लेते हैं, भाई ये तो मानते हो ना ये सर्कल है, अरे यार भाई की बात मानते हो कि नहीं मानते हो, ये क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैं ये होल स्क्वायर्स ओपन कर दूं ना, अगर मैं ये होल स्क्वायर्स ओपन कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये होल स्क्वायर्स ओपन कर दूं ना तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान से देखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए एक्स, ध्यान से देखना, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई, बात आगे भी समझ में आ जाएगी। बॉलीवुड गाना बना सकता है फालतू फालतू का, तो अपन तो यार एजुकेशन सॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है ना, इतना उसको डीपली पहुंचा दो कि लोगों की रगों में मैथ्स बस जाए, ठीक है ना, मैथ्स से जो है ना डर वो निकालना है जनता का, है ना। एक आदमी अगर 20 से 50 लोगों तक पहुंचाएगा और 20,000 30,000 लोग लग जाएं, तो यार ये जो है ना ये ट्रेंडिंग भी बना सकते हो, मतलब कोई एजुकेशनल वीडियो आज तक ट्रेंडिंग पे रहा हो, कोई लेक्चर ट्रेंडिंग पे रहा हो, कोई कोई सॉन्ग ट्रेंडिंग पे रहा हो, ऐसे बड़े कम वाकिया होते हैं। तो एक हिस्ट्री बदलने का वक्त है कि अगर 20 से 30,000 लोग मिल करके 20-20, 50-50 लोगों तक अगर इस सॉन्ग को पहुँचाएंगे, जो ईजिली पहुँचाया जा सकता है अपने 2 मिनट अगर निकाल करके अगर आप ऐसा करेंगे, तो यार इसको ट्रेंडिंग बना सकते हैं, है ना, एकदम बैंग बैंग, ठीक है ना, मज़ा आएगा। और फिर मैं भी हर फॉर्मूला पे हर चैप्टर पे सॉन्ग निकाल के तुमको दूंगा, लगेगा कि हाँ यार मैथ्स में अब लेवल की बात हो रही है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या आ गया, इसको मैंने कुछ नहीं किया, है ना, सर्कल है मेरा, मैंने ब्रैकेट्स खोल दी, अभी भी मेरे पास सर्कल है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ एक ही है ना, सर्कल है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैंने क्या किया, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, मेरा दिल कर गया कि यार इसको कॉन्स्टेंट सी पुट कर देते हैं, है ना, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट है, ए बी आर ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, इसको सी पुट करने का मेरा दिल कर गया, ठीक है। सो अगर यार यहाँ पे जो माइनस ए है ना, इसको पुट कर दें अगर अपन जी, ठीक है, और माइनस बी को अगर अपन एफ पुट कर दें, है ना, तो कर सकते हैं क्या, यार देखो तुम्हारा भाई पुट कर रहा, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना भाई, माइनस ए को जी पुट करने में क्या तकलीफ है, माइनस बी को एफ पुट करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल देखिए, इसकी जो लुक है, इसकी लुक सुधारने के लिए, है ना, मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो यार सर्कल को सुधारने के लिए किया है, ठीक है ना, माइनस ए को जी पुट कर दिया, माइनस बी को एफ पुट कर दिया, और ये वाली जो कहानी है इसको सी पुट कर दिया, तो हमें ये सर्कल कुछ ऐसा दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मैंने सी मान लिया, माइनस ए को जी माना था, माइनस बी को एफ माना था, तो सर्कल देखिए हमारा हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन आ गई ना, ये सर्कल की इक्वेशन है, पहली बात तो ये समझनी है, क्यों, क्योंकि मैंने सर्कल की ही इक्वेशन है उसी को यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ये होल स्क्वायर्स खोल दिए, तो यार सर्कल की इक्वेशन को ही मॉडिफाई करा तो सर्कल की इक्वेशन ही रहेगी ना यार, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ और तो बदला नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ी सी क्या किया है, फिनिशिंग टच दिया इसको, ठीक है, तो होल स्क्वायर्स पे ओपन किए मैंने, राइट। तो ये जो इक्वेशन आ गई है ना सर्कल की, है ना, यहाँ पे देखो सर्कलें अलग हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, बस सर्कलें दोनों की अलग हैं, करेक्ट है। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं यार जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट। सो ये जो जनरल इक्वेशन है ना, इसको अगर अपन गौर से देखें तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो, एक्स की टर्म हो वाई की टर्म हो और कॉन्स्टेंट टर्म हो, ऐसी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन होती है। मैंने स्ट्रेट लाइन में ये प्रूफ करके दिखाया था कि लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में होगी वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी दोस्तों, और यहां पे देखिए आप नजारा एकदम साफ देख सकते हो
कि अगर कोई इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो उसको सर्कल की इक्वेशन ही होना पड़ेगा, उसको सर्कल की इक्वेशन ही होना पड़ेगा। तो यार ये बात एकदम साफ है कि ये जो है ना, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, यहां पे मेंशन कर दूं कि ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब ये हुआ कि सर्कल कोई भी हो, उसकी शकल इससे मैच होगी ही होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी हां, एक्स स्क्वायर किसी इक्वेशन में हो, वाई स्क्वायर किसी इक्वेशन में हो, एक्स किसी इक्वेशन में हो, वाई और कांस्टेंट टर्म होगी, तो उसको सर्कल की इक्वेशन बोला जाएगा। और एक और बात बता दूं आपको, बेहतरीन बात है ना, इस इक्वेशन को देख करके अपने को सेंटर तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सर्कल का सेंटर क्या होने वाला है, तथा रेडियस भी समझ में आ जानी चाहिए। इस वाली इक्वेशन को देख करके अपने को सेंटर निकालना आना चाहिए और रेडियस निकालनी आनी चाहिए। देखिए, मैंने शुरुआत यहां से की थी, यहां पे सेंटर ए कोमा बी था। अगर आप ध्यान से देखें तो ए कोमा बी है ना, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, बी की वैल्यू माइनस एफ। ठीक है, तो ए की वैल्यू माइनस जी है, बी की वैल्यू माइनस एफ है, तो सीधा बोल सकते हैं सेंटर ए कोमा बी बोले तो माइनस जी कोमा माइनस एफ हमारा सेंटर होगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ सेंटर होगा। जो एक्स का कोफिशियंट होता है उसका माइनस हाफ कर दें तो आता है एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का, और वाई के कोफिशियंट का माइनस हाफ कर दें तो आता है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको यूं भी बोल सकते हैं, इसको इस बात को यूं भी बोल सकते हैं कि माइनस वन बाय टू ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स कोमा माइनस वन बाय टू ऑफ कोफिशियंट ऑफ वाई। करेक्ट है जी, है ना, माइनस वन बाय टू कर दें एक्स के कोफिशियंट का, कोमा माइनस वन बाय टू कर दें वाई के कोफिशियंट का, तो यार ये बन जाएगा इस वाले सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब रेडियस कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, इसको देख के बोल सकते हैं जो आर है ना, आर, आर क्या थी, रेडियस थी। ठीक है, और मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सी माना है ना। यहां पे देखिए, थोड़ी कैलकुलेशन रफ में कर लेते हैं, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सी माना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या माना है, सी माना है। तो यार देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस सी, आर स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे तो इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। और यहां से आर देखें, रेडियस देखें, तो वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अच्छा आगे और देखते हैं, ए मेरा कितना है, माइनस जी है ना, तो माइनस जी का होल स्क्वायर जी स्क्वायर होगा, बी कितना है, माइनस एफ, माइनस एफ का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर होगा। तो यार एक बात देखने को मिल रही है, जो आर है, रेडियस है, रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यार रेडियस। बात एकदम समझ में आ गई, ठीक है, ये वाले पोर्शन को हटा दूं, रफ वर्क था एक तरीके का। तो मैंने बता दिया आपको कि सर्कल अगर ये वाला है, सर्कल अगर ये वाला है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो एकदम आपके सामने है ना, माइनस जी कोमा माइनस एफ। ठीक है, और जो रेडियस होगी है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एकदम भन्नाट तरीके से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, और इसको देख करके सेंटर कितना है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, रेडियस कितनी है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। करेक्ट है, देखिए है ना, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया। अब मैं तुमको एक सर्कल की इक्वेशन दे रहा हूँ, है ना, एक सर्कल की इक्वेशन दे रहा हूँ, मतलब मैं तुमको एक सर्कल दे रहा हूँ, है ना, मैं तुमको एक सर्कल दे रहा हूँ। ठीक है, कंसीडर द सर्कल, कंसीडर द सर्कल, है ना, एक सर्कल ले लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस सर्कल का क्या करना है आपको, सेंटर और रेडियस बताना है, फाइंड सेंटर
एंड रेडियस, क्या बताना है इसका, आपको सेंटर बताना है और इसकी रेडियस बतानी है। ठीक है, इस सर्कल का यार सेंटर और रेडियस बताइए आप, है ना, सेंटर और रेडियस बताइए। सर्कल की इक्वेशन दे दी मैंने, सर्कल की इक्वेशन दे दी, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यार सर्कल की इक्वेशन तो ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है कि नहीं होती, है ना, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना, है ना, इन दोनों को कंपेयर करूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूँ तो आप देख सकते हैं 2g की वैल्यू 4 हो गई, 2f की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 2g की वैल्यू 4 हो गई, 2g की वैल्यू 4 हो गई, 2f की वैल्यू 6 हो गई, है ना, 2f की वैल्यू 6 हो गई और कांस्टेंट c की वैल्यू 9 हो गई। कांस्टेंट c की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। ठीक है, 2g की वैल्यू क्या हो गई 4, 2f की वैल्यू क्या हो गई 6 और कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है, तो यार यहां से देखिए, यहां से देखिए g कितना समझ में आ रहा है, g हो गया हमारा 2, g हो गया 2, ठीक है, f कितना हो गया, f हो गया हमारा 3, f 3 हो गया, है ना, और यार c तो देखो 9 है ही, c तो देखिए 9 है ही, करेक्ट है, g मालूम है 2, f मालूम है 3, c मालूम है 9, करेक्ट है। तो सेंटर क्या होगा सर्कल का, सेंटर क्या होगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, ठीक है, है ना, तो सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ, है ना, जी कितना है, जी जी है यार अपना 2 और एफ कितना है 3, तो सेंटर हो जाएगा माइनस 2 कोमा माइनस 3, सेंटर निकल के आ गया। उसके बाद पूछा था रेडियस क्या होती है, उसके बाद पूछा था रेडियस क्या होती है, वो होगी अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, आ गया 2, ठीक है, रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 2, रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, सेंटर माइनस 2 कोमा माइनस 3 एंड रेडियस कितनी हो गई, सेंटर माइनस 2 को माइनस 3 एंड रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 2, करेक्ट है। तो यार देखिए सर्कल को देख के उसके बारे में सेंटर और रेडियस पता लगनी चाहिए, और सर्कल की ये दो दुखती रग हैं, ये दो ऐसी नब्ज हैं, ये पकड़ लो तो सर्कल पकड़ में आ जाएगा। सर्कल का सेंटर दबोच लो, रेडियस दबोच लो, सर्कल दबोच लिया ऐसा समझना, ठीक है। ठीक है ना, आज के गाने में सर्कल का काफ़ी जिक्र किया गया है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, सर्कल, यस, तो रेडियस हो गई 2, सेंटर इसका माइनस 2 कोमा माइनस 3, करेक्ट है। तो आई होप आपको अभी तक के सफर में ये समझ में आ गया कि सर्कल की फंडामेंटल इक्वेशन क्या है एंड सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब यार एक और चीज बताता हूं मैं तुमको बताता हूं कि सर्कल की रेडियस जो है ना ये नोट करने वाली बात है, सर्कल की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। यहां पे एक बात ये नोट कीजिए कि अगर हमको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव मिलता है तो रेडियस जो है ना वो एक पॉजिटिव नंबर तो मतलब होता ही है, लेंथ तो ठीक है आएगा भी सही, तो एक रियल सर्कल मिलेगा अपने को, ठीक है। और दूसरी बात ये देखते हैं, अगर मान लो किसी सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी है कि उसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो है तो यार रेडियस जीरो हो जाएगी, रेडियस जीरो का मतलब है पॉइंट बन जाएगा सर्कल, उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल, ठीक है। और अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है जिसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है, ये क्वांटिटी लेस देन जीरो हो गई तो ये इमेजिनरी हो जाएगी, और रेडियस इमेजिनरी का मतलब है कि वो इमेजिनरी सर्कल है ना, मतलब वो इमेजिनरी सर्कल है। तो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है
देन सर्कल इज रियल, है ना। तो कंक्लूजन निकालेंगे कि सर्कल रियल है, सर्कल क्या है, रियल है। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो है तो बोलेंगे देन इट इज अ पॉइंट सर्कल, इट इज अ पॉइंट सर्कल। कैसा सर्कल है, पॉइंट सर्कल है। एक पॉइंट को भी सर्कल बोला गया है, है ना। जो पॉइंट है ना, पॉइंट, पॉइंट को बोला गया है अ सर्कल ऑफ रेडियस जीरो, है ना। सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस जीरो, एक पॉइंट को आप रेडियस जीरो का सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। तो यार ये पॉइंट सर्कल है। और ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, है ना, एक कोई इक्वेशन दे दी मैंने, मान लो आपको जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। आप ये इक्वेशन देखो सर्कल की, इसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकाल के देखोगे ना बच्चों, वो नेगेटिव मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब नेगेटिव मिलेगा ना तो ये जो है ना, ये बकवास लिखा हुआ है, ये सर्कल है ही नहीं। सर्कल की भेस में भेड़िया छुपा हुआ है, ठीक है ना। सर्कल के भेस में ये बदमाश कोई चीज छुपी हुई है। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो, तो उस इक्वेशन को कान पे लगाओ, बोलो ये तू सर्कल है ही नहीं, ये इक्वेशन सर्कल है ही नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से इस सर्कल की सारी चीजें सर्कल नहीं होती मेरे दोस्तों, है ना। दिस इज नॉट अ सर्कल, है ना। दिस इज नॉट अ सर्कल। नॉट अ सर्कल मतलब इमेजिनरी सर्कल है। दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। क्या है, इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है, ठीक है ना, देन इट विल बी एन इमेजिनरी सर्कल। कैसा सर्कल होगा यार, ये होगा इमेजिनरी सर्कल। क्लियर है, ये सारी बातें आई होप आपको एकदम थांसू तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यार दो फॉर्म ऑफ सर्कल पे हम कमांड बना चुके हैं, ठीक है। एक और बड़ा बेहतरीन अंदाज होता है सर्कल को लिखने का, एक और बड़ी बेहतरीन फॉर्म होती है सर्कल की, यार ध्यान दीजिए, थोड़ा इमोशनली समझना पड़ेगा इस फॉर्म को। उसको बोलते हैं डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। एक सर्कल की डायमेट्रिकल इक्वेशन क्या होती है, आइए समझते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मुझको एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो, एक पॉइंट ए है x1, y1, देखो यहां लिखते हैं, एक पॉइंट ए है x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट है बी x2, y2, ठीक है। मुझको एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका ए बी डायमीटर था, ठीक है। मुझे एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसका ए बी डायमीटर था। पहले तो बता दूं आपको कि ऐसा सर्कल जिसका ए बी डायमीटर है, उस सर्कल पे, है ना, पहले सर्कल बना लेता हूं जिसका ए बी डायमीटर बन गया ना, सर्कल ए बी डायमीटर वाला सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट पी होगा ना, वो पॉइंट पी कुछ ऐसी हरकत करेगा कि इसको ज्वाइन करने वाली और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन 90 डिग्री की होंगी। अगर ए पी और पी बी 90 डिग्री की हो, ऐसा पी सर्कल पे ही मूव करेगा, ऐसा पी सर्कल पे ही मूव करेगा, ठीक है। सो वी नीड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वी नीड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर, डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। हमें यार एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट जो है ना x1, y1 और x2, y2 हो, ठीक है। सो p जो है ना, p का लोकस सर्कल होगा, ठीक है, और
एपी लाइन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर होगी, बीपी पे परपेंडिकुलर होगी। एपी किस पे परपेंडिकुलर होगी, बीपी पे परपेंडिकुलर होगी। और एपी बीपी परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ बीपी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये जो एपी लाइन है इसका स्लोप इनटू ये जो बीपी लाइन है इसका स्लोप है ना, कितना होगा, माइनस वन होगा, तभी पॉइंट पी सर्कल में मूव करेगा, है ना। तो मैथमेटिकल कंडीशन मिल गई ना जिसके लिए आपको लोकस मिलेगा, है ना। स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ बीपी माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, स्लोप ऑफ एपी कितना है यार, ये है वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इनटू, स्लोप ऑफ बीपी कितना है वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब देखो यार, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन, इसको राइट में लेकर के जाऊंगा ना, तो क्या हो गया, ये हो गया y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू, इनके मल्टीप्लीकेशन को राइट में लेके जाओगे तो क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है ना, अच्छा माइनस वन भी तो आएगा, है ना, माइनस वन है ना इंटू माइनस वन, करेक्ट है। और इस पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट में लाऊंगा ना, मैं इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, है ना, प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, है ना। इस क्वांटिटी को लेफ्ट में लाऊंगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक्स वाई ले लो, वो एक्स वाई सर्कल पे मिलेगा। तो जो एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो एक्स वाई सर्कल पे मूव करेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है। दोस्तों आप देख लीजिए, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्कल है, ठीक है ना, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू हैं। ठीक है, बता दूं आपको, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है हूज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर, डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू कोमा वाई टू। एक्स वन कोमा वाई वन है और एक्स टू कोमा वाई टू है। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एक्स में क्वाड्रेटिक है ना एक्स में क्वाड्रेटिक है, और उस क्वाड्रेटिक के रूट कितने हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। ये इंटरेस्टिंग बात है ऑब्जर्व करने वाली, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये वाई में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसके करस्पोंडिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स होंगे वो y1 और y2 होंगे, ठीक है। एक बस ऑब्जर्व करने वाली बात थी, कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाती है, ठीक है। x में क्वाड्रेटिक को और y में क्वाड्रेटिक को, है ना, कोफिशियंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के सेम बना के जोड़ दो तो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्कल निकल जाती है, करेक्ट है जी, है ना। तो ये, है ना, ये क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, है ना, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, ठीक है, जिसका डायमीटर ए बी था। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगर मैं कहूं आपसे कि अगर ए पॉइंट है 1,2 और बी पॉइंट है -3,4, ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका ए बी डायमीटर था, ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका ए बी डायमीटर था, उस सर्कल की इक्वेशन क्या बोलोगे आप, आप बोलोगे यार देखो इसको तो x1 y1 मान लो, ठीक है जी, x1 y1 हो गया, और इसको यार x2 y2 मान लो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगी यार एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एक्स माइनस सिक्स वाई, है ना, प्लस एट माइनस थ्री इज प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गई डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है ना, किसी फॉर्म से निकालूं मैं, है ना। इसको आप यूं भी निकाल सकते थे, आप इसका मिड पॉइंट निकाल लेते तो सेंटर आ जाता, सेंटर आ गया, इन दोनों की दूरी निकालते रेडियस आ जाती, सेंटर रेडियस आ गया
तो आप डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकते थे, वैसा भी लिख सकते हो, डायमेट्रिकल फॉर्म से भी निकाल सकते हो। करेक्ट है जी, एकदम बहुत ही शानदार। ठीक है, तो हमने यार तीन फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन सीख ली है ना, एक है फंडामेंटल फॉर्म, एक है जनरल फॉर्म, एक डायमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म में और समझते हैं, है ना। फोर्थ सर्कल की इक्वेशन अगर चार फॉर्म में मालूम है तो आप समझ जाना सर्कल की हर टाइप की इक्वेशन मालूम है आपको, सर्कल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ सर्कल्स की बात करूं तो ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ध्यान से सुनना है ना, फोर्थ फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं अपन, एक सर्कल ले लेते हैं, उसका जो सेंटर है वो ले लेते हैं ए कोमा बी पे। ठीक है, सेंटर ए कोमा बी पे ले लो, और सर्कल की जो रेडियस है वो ले लो आर। सर्कल की रेडियस क्या ले ली, आर। ठीक है, कंसीडर अ सर्कल, यहां पे मैंने एक सर्कल ले लिया है ना, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ए कोमा बी एंड रेडियस इक्वल टू आर, है ना। सेंटर तो ए कोमा बी है और रेडियस कितना है, रेडियस आर है। तो यार ऐसे सर्कल की अगर मान लो अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखनी हो ना, तो मैंने क्या किया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। ठीक है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है इसको थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया, थीटा। और ये जो पॉइंट पी है, मैंने कहा इस पॉइंट पी को आप एक्स कोमा वाई मान लो, क्या मान लो, एक्स कोमा वाई। अगर थीटा मूव करेगा, थीटा को इंक्रीज करोगे तो पॉइंट पी इंक्रीज होगा। ठीक है, थीटा जब जीरो था तो पॉइंट पी यहां पे था, थीटा इंक्रीज करोगे तो पॉइंट पी मूव करेगा, है ना। जीरो से टू पाई तक थीटा को रिवॉल्व कर दो, मूव कर दो आप, तो पॉइंट पी रिवॉल्व हो जाएगा एकदम पूरे सर्कल पे। ठीक है, तो थीटा के साथ पॉइंट पी को लिंक कर देंगे ना, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना, थीटा मैंने ले लिया पैरामीटर, थीटा क्या ले लिया, थीटा मैंने पैरामीटर ले लिया, और थीटा को मैं जीरो से लेकर के टू पाई तक घुमाऊंगा, है ना भाई। देखो जीरो थीटा, फिर आपने थीटा ऐसे ऐसे इंक्रीज किया, पाई तक हो गया, फिर पाई से बढ़ाया, है ना, यहां टू पाई से जस्ट पहले है, फिर यहां आते ही टू पाई नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो तो ले लिया ना मैंने, तो टू पाई जीरो के बीच में क्लैश है, टाई है, टाई की सिचुएशन में जीरो ले लिया मैंने। ठीक है, तो थीटा जीरो से टू पाई अगर अपन मूव करवाएंगे तो पॉइंट भी सर्कल पे घूम जाएगा। ठीक है, यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखिए यहां पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो वर्टिकल लेंथ है और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये बताई जा सकती है, है ना। ये वर्टिकल लेंथ कितनी होगी यार, देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं, सोचने में आसानी होगी, सोचने में तुमको आसानी होगी। ठीक है जी, ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ वाई है और ये वाली लेंथ बी है, तो ये हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी वाई माइनस बी, है ना, और ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी एक्स माइनस ए, है ना, ये आपकी एक्स है, ये ए है, ये एक्स माइनस ए हो गई। ठीक है, अब यार एक बात बताओ मेरे को, अब मेरे को एक बात बताओ कि कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा हो गया बेस अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन आर कोमा, साइन थीटा इस ट्रायंगल में बताइए कितना होगा, साइन थीटा इस ट्रायंगल में कितना होगा, परपेंडिकुलर y माइनस बी अपॉन आर, y माइनस बी अपॉन आर, करेक्ट है, है ना। अब यहां से एक बात बताएं मेरे को कि कोस थीटा को नीचे ले गया, r को इधर ले आया, तो क्या बोल सकते हैं, x माइनस ए बाय कोस थीटा r के इक्वल है, बिल्कुल है जी। क्या बोल सकते हैं, y माइनस बी बाय साइन थीटा, y माइनस बी बाय साइन थीटा भी r के इक्वल है, यार बिल्कुल बोल सकते हैं, x माइनस ए बाय कोस थीटा भी r के इक्वल है, y माइनस बी बाय साइन थीटा भी r के इक्वल है। ठीक है, अब ये हमारी है इक्वेशन नंबर वन और ये है हमारी इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन और टू, है ना, मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू,
इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से देखिए, ये आर और आर हो गया, ठीक है, ये जो है ना इक्वल है तो इनको भी इक्वल होना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं एक्स माइनस ए बाय कोस थीटा इक्वल टू वाई माइनस बी बाय साइन थीटा इक्वल टू आर। एक्स माइनस ए बाय कोस थीटा वाई माइनस बी बाय साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल। यार ये जो हमें मिली है ना, ये जो हमें मिली है ये हमारी है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या मिली है हमको, ये मिली है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें आर मेरा पैरामीटर, आर क्या है, आर फिक्स है ना, आर कॉन्स्टेंट है, थीटा मेरा पैरामीटर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इसमें अगर आप आर देखेंगे, आर मेरा रेडियस है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और अगर थीटा देखेंगे, थीटा मेरा क्या है, पैरामीटर है, थीटा क्या है, पैरामीटर है। अगर आप थीटा को बदलेंगे ना, थीटा को बदलेंगे, इसको उधर लेके जाओगे तो एक्स और वाई बदलते जाएंगे, और थीटा मूव करोगे तो मैं बता चुका हूं एक्स और वाई पूरे सर्कल में घूम जाएंगे, थीटा को आप जीरो से टू पाई मूव करवा दीजिए, करेक्ट है ना। तो यार पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल याद कर लीजिए, x माइनस ए अपॉन कोस थीटा इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। और मेरी एक बात को याद रखना, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पे वेरिएबल कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हो। आपको बता दूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कम वेरिएबल इस्तेमाल करने की ज़रूरत आपको महसूस हो। एक और बात देखिए बता देता हूँ आपको, इस सर्कल पे है ना, इस सर्कल पे कोई भी जनरल पॉइंट आपको लिखना हो ना, है ना, ए कोमा बी इसका सेंटर है, ठीक है, रेडियस इसकी आर आपने दे ही रखी है, मैं इसी सर्कल की बात कर रहा हूँ, बस वापस कॉपी कर दिया, ठीक है। तो अगर आप एक्स देखोगे तो एक्स कितना है, आर कोस थीटा प्लस ए, वाई कितना है, आर साइन थीटा प्लस बी, ठीक है। तो एक्स कितना है, आर कोस थीटा प्लस ए, वाई कितना है, आर साइन थीटा प्लस ए, ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट को सर्कल पे ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस आर कोस थीटा कोमा ए प्लस आर साइन थीटा। थीटा बदलते जाओगे, यहाँ पे थीटा है पैरामीटर तो, है ना, थीटा है मेरा पैरामीटर तो, जो वेरी करेगा, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टू पाई है ना। आप थीटा बदलते जाओगे तो ये पॉइंट जो है ये बदलता जाएगा, सर्कल में मूव करता जाएगा, करेक्ट है जी। तो यार अपने को पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल भी समझ में आ गई, ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ में आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ में आ गई, डायमेट्रिकल फॉर्म आ गई और पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल आ गई। तो सर्कल की तो सारी फॉर्म एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आ गई आपको। एक बात और समझ ले कि सर्कल के इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक बात और समझ लें, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, ये और समझ लेते हैं, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, ये बात और समझ लीजिए कि सर्कल जो इंटरसेप्ट बनाता है, बनाता है भी कि नहीं, है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट होते हैं, क्या वैसे ही सर्कल के भी इंटरसेप्ट होते हैं क्या, ये बात हमें समझनी है ना। बात एकदम मजेदार है, इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। बात एकदम मजेदार है, सर्कल इंटरसेप्ट बनाता है क्या, यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। भाई के साथ देखिए समझने का प्रयास करें, मैं कई सारे केस बना रहा हूं, यहां मैं कई सारे केस बना रहा हूं, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है जी, इसके बाद देखो ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, ये दूसरा केस, करेक्ट है। एक थर्ड केस और लेते हैं, ये कुछ ऐसा बना दिया, करेक्ट है, ठीक है, एक केस बना दिया कुछ ऐसा, ठीक है, राइट। तो यार इन चार डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इंटरसेप्ट क्या होता है। एक और बना दे, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना, जूम करके बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एक बड़ा डायग्राम बना लिया, ये लो, और बेहतर समझने के लिए, ठीक है, है ना। और इसी से शुरुआत करते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है। जब एक सर्कल एक्स एक्सिस को काटता है तो ये जो डिस्टेंस होता है ना यार, कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं,
मैं बात कर रहा हूं इस डिस्टेंस की, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है वाई इंटरसेप्ट। ये बात समझनी है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स इंटरसेप्ट है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट ना, ये दिस डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है, सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज वाई इंटरसेप्ट, दिस डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट है, और ये क्या है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है, और ये क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, क्लियर है। यहां पे देखिए एक्स इंटरसेप्ट जीरो है ना, कुछ डिस्टेंस बनी नहीं रहा है ना। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट आप देखेंगे जीरो है, और यहां पे वाई इंटरसेप्ट देखेंगे वो भी जीरो है। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट जीरो हो गया और ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। इस केस में एक्स इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है जी। दिस इज वाई इंटरसेप्ट। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डिफाइन ही नहीं किए गए हैं, ये बात समझनी है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डिफाइन ही नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये सर्कल यार ना तो एक्स को टच करता, ना वाई को टच करता, ना इनको कट करता। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर नॉट डिफाइंड, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है दे आर नॉट डिफाइंड इन दिस केस। एक्स और वाई इंटरसेप्ट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब सर्कल एक्स और वाई एक्सिस को काटे। अगर एक्स और वाई एक्सिस को सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या टच नहीं कर रहा है, उन सर्कल्स के लिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होंगे, क्लियर है एकदम। ये तो समझ में आ गया कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, कुल मिला के सर्कल के इंटरसेप्ट कब बनते हैं और क्या होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां पे ये भी समझना होगा कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाले कैसे जाते हैं, कैसे हम एक्स इंटरसेप्ट को निकालते हैं और कैसे हम वाई इंटरसेप्ट को निकालते हैं, ये बात भी हमको समझनी होगी, है ना। हमें ये समझना होगा कि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकालते कैसे हैं। देखिए ध्यान से, एक सर्कल ले लिया मैंने, है ना, बात को ध्यान से देखिए, ये मेरा सर्कल है, ठीक है जी। सर्कल ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सर्कल है, है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के, और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के। अगर ये वाला पॉइंट को मान लूँ जीरो कोमा एक्स वन, है ना, ये पॉइंट ए मान लिया, जीरो कोमा एक्स वन थोड़ी होगा यार, ये एक्स वन कोमा जीरो होगा, ठीक है, मजाक कर रहा था मैं तुम्हारे साथ। ए हो गया एक्स वन कोमा जीरो, और बी को मान लिया एक्स टू कोमा जीरो, ठीक है। ये जो पॉइंट सी है इसको मान लिया जीरो कोमा वाई वन, और इस डी पॉइंट को मान लिया जीरो कोमा वाई टू। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, देखना, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा एक्स वन से एक्स टू की दूरी, वो होगी एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मैंने मोड एक्स वन माइनस एक्स टू लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, सर्कल के इंटरसेप्ट जो है नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू का मोड, y1 माइनस y2 का मोड। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, x1 माइनस x2, ठीक है, का मोड, और y इंटरसेप्ट y1 माइनस y2 का मोड। अब ये निकालें कैसे, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन में अगर मैं y0 पुट कर दूं, है ना, इफ आई पुट y0, है ना, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मिल गया, ठीक है। यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, है ना, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी। तो यार y0 पे x की दो वैल्यू है, x1 x2 ही मिलेंगी अपने को, है ना। यहां से अपने को जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, x1 और x2, ठीक है। x1 और x2 इसके रूट्स होंगे, ये बात समझनी है,
क्योंकि सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं ये वाले पॉइंट, और y जब जीरो करेंगे इन पॉइंट्स का तो यहां से x मेरे को निकल के आएगा, x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, और x1 x2 इसके रूट्स होंगे, ठीक है जी। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो, डिफरेंस ऑफ रूट्स बोले तो x1 माइनस x2 का मोड, इसका एक फॉर्मूला होता है रूट डी बाय ए। क्या होता है? रूट डी बाय ए। तो रूट डी बाय ए डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, रूट डी बाय ए बोले तो रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी अपॉन ए, है ना, रूट डी बाय मोड ए। ए कितना है? ए यहां पे वन है, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। ए कितना है? ए यहां पे वन है। तो यार एक्स वन माइनस एक्स टू का मोड, फोर कॉमन लेंगे तो आ गया टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट सर्कल का होता है टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट सर्कल का होता है टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। सर्कल का जो एक्स इंटरसेप्ट है, बता दूं आपको, उसका फॉर्मूला है टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली, है ना, अब यहां पे एक्स जीरो पुट करोगे तो वाई में इक्वेशन बन जाएगी, है ना, और टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस जी आ जाएगा वाई वन माइनस वाई टू का मोड। अगर आपको इंटरसेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ये निकाला कैसे है, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई तो यार एकदम भन्नाटली कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया है। बार बार समझने का प्रयास करें, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले याद रखने हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने के फॉर्मूले हैं, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, है ना, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, और टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। अगर किसी सर्कल में जी स्क्वायर और सी इक्वल मिल जाए, है ना, जी स्क्वायर और सी इक्वल मिल जाए, आपको बता दूं, इफ जी स्क्वायर और सी इक्वल है तो इसका यह मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, है ना, जी स्क्वायर और सी इक्वल हो गए तो एक्स इंटरसेप्ट जीरो हो गया। एक्स इंटरसेप्ट जीरो का मतलब सर्कल जो है वो टच करेगा, क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, है ना, देन सर्कल विल टच द एक्स एक्सिस, देन सर्कल विल टच द एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और सर्कल y एक्सिस को टच करेगा, है ना। इफ एफ स्क्वायर इक्वल टू सी देन सर्कल विल टच द y एक्सिस, सर्कल y एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी, इंटरसेप्ट समझ में आ गया होगा, इंटरसेप्ट निकालें कैसे वो बात भी आपकी एकदम क्लियर होगी, ठीक है यार। इनको भी याद करना है, अच्छे स्टूडेंट्स इनको याद करते हैं, क्लियर है। सर्कल की चारों इक्वेशंस, सर्कल में इंटरसेप्ट, सेंटर रेडियस, सारे फंडे एकदम भन्नाट हो गए, ठीक है। मूव करते हैं आगे, एक सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हो और रेडियस उसकी टू यूनिट्स हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यूं टच करना, ऐसे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन बताइए, और रेडियस कहा गया है कि इसकी जो रेडियस है वो टू यूनिट्स है ना। पहले तो मैं चाहूंगा पोज करके खुद कमेंट करके बताएं, खुद कमेंट करके बताएं आपने कर लिया क्या, करें पोज और करें शुरुआत, है ना, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें, है ना। एक्स और वाई एक्सिस को टच करता है और रेडियस टू यूनिट्स है, देखिए यहां सेंटर ले लिया तो यार यहां पे टच कर रहा है ना, तो टेंजेंट है इस पे, यहां मिलाओगे तो परपेंडिकुलर बनेगा, ये टेंजेंट है सर्कल पे, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलाओगे यहां से तो परपेंडिकुलर बनेगा। आप कह रहे हो रेडियस टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, तो सेंटर टू कोमा टू हो गया, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या होगी? हमारे सर्कल की इक्वेशन, जिस सर्कल की हमको जरूरत थी। ठीक है, आई होप आपको सर्कल की पूरी कहानी, पूरी दास्तान आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मुस्कुराते हुए इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और बाकी तो इतना ही कहूँगा कि सॉन्ग आपका है, आपके लिए डेडिकेटेड है, है ना, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बना दो इसको ट्रेंडिंग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।